हम लोग आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वेबेट कंपनी की फेमस किस्म की प्रोडक्ट है, क्लारिसिड उसका नाम है, और क्लिथ्रोमाइसिन जो है उसकी कंपोजिशन है। दो जो है जो कैपेसिटीज के अंदर मार्केट में अवेलेबल है, और जो है 250 mg और 500 mg में ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। 10 टैबलेट्स की पैकिंग है, और अराउंड प्राइस इसकी जो है एक टैबलेट की वो 44 रुपीज़ है, और अगर 500 की बात की जाए तो इस एक टैबलेट की प्राइस अराउंड 80 रुपीज़ है। मैं फर्दर इसके फंक्शंस की बात करूँ, ये काम किस तरह करती है, तो ये बेसिकली एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा किस्म के परफेक्शन के साथ काम करती है। सो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करती है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जब सब मल्टीप्लाई होकर हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो उसको रोकने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए क्लारिसिड जो है काफ़ी अच्छा कंपोजिशन साबित हुआ है। अगर मैं बात करूं हमारे सीजनल इफेक्ट्स जितने भी हैं, जैसे चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रॉट इन्फेक्शन और उसके अलावा ईयर इन्फेक्शन, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और फेमस है इन तमाम इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करने के लिए। सो अगर मैं इसकी ये डोजेज की बात करूं, तो डोजेज जो होगी एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन या फार्मासिस्ट की गाइडेंस के मुताबिक होगी। फर्दर अगर इसकी बात कर ली जाए तो 20+ एज के जो लोग हैं वो इसको ट्वाइस इन अ डे यूज़ कर सकते हैं 500 mg को, और जो उसे लेसर एज के लोग हैं वो इसको 250 mg को यूज़ कर सकते हैं। इन्फेंट के लिए जो है इनका जो है सीरप भी मार्केट में इजीली बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल है। और अगर मैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की बात कर लूँ यूजली, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स जो हैं वो स्टमक को ख़राब करना, डायरिया और स्किन रैशेज, फर्दर आगे हेडेक वगैरह कॉमन हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो रिगार्डिंग थायरॉइड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।